नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। जेएसएससी पेपर लीक मामले में झारखंड के सीएम का बड़ा बयान। जेएसएससी सीजीएल 2023 पेपर लीक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार 23 फरवरी को चंपई सोरेन ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि झारखंड ही नहीं पूरे देश पेपर लीक की समस्या से जूझ रहा है। बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस समस्या से निजात पाने के लिए हमारी सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। बड़ी ही तेजी से इस मामले में जांच हो रही है। सभी आरोपी पकड़े जाएंगे, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जांच में थोड़ा समय तो लगता है। जांच के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। बता दें कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार से इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। विधानसभा का बजट सत्र भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 26 फरवरी तक स्थगित। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को बजट सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सदन में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मौजूद रहे। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने बेल में आकर जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी की जाँच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन करने लगे। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 26 फरवरी 2024 दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बता दें, विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। हंगामे के बीच झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 4,981 करोड़ रुपये का तीसरा अनुपूरक बजट सदन में पेश किया है। विधायक प्रदीप यादव ने सदन में कहा है कि जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ी कोई पहली घटना नहीं है, यह देश में 43वीं घटना है, लेकिन अभी इससे भी बड़ा मुद्दा किसानों का है। देश के अन्नदाता आंदोलनरत हैं और ये भाजपा चुप बैठे हैं। 10 लाख के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर मनोहर परहिया और एरिया कमांडर दीपक ने किया सरेंडर। झारखंड में 10 लाख रुपए के इनामी जेजेएमपी जोनल कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के जोनल कमांडर ने लातेहार जिले में सरेंडर किया है। जोनल कमांडर के साथ एरिया कमांडर दीपक भुइयां उर्फ कुंदन ने भी आत्मसमर्पण किया है। इस अवसर पर जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आईजी और डीआईजी भी मौजूद थे। मौके पर आईजी राजकुमार लकड़ा ने बताया है कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा से प्रभावित होकर मनोहर परहिया और दीपक ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने बताया कि मनोहर गांव के कुछ युवकों के साथ वर्ष 2010 में भाकपा माओवादी संगठन में शामिल हुआ था। राजकीय माघी पूर्णिमा मेले का उद्घाटन 24 फरवरी को। राजकीय माघी पूर्णिमा मेले का उद्घाटन 24 फरवरी को मंत्री बादल पत्रलेख व मिथिलेश कुमार ठाकुर करेंगे। पूर्णिमा पर श्रद्धालु गंगा स्नान करेंगे। शुक्रवार से ही आदिवासी समाज के साफा होड़ व बिदिन समाज के लोग अपने धर्मगुरु के साथ मेला क्षेत्र स्थित अपने अखाड़ा में पहुँच चुके हैं। बिदिन समाज के माध्यम से धर्मगुरु अभिराम मरांडी व भूगुलू मरांडी के माध्यम से मांझी स्थान व जाहिर स्थान के साथ बड़ा अखाड़ा बनाया गया है। इसमें कई राज्यों के श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। धर्मगुरु के साथ एक जत्था शुक्रवार को पहुंच गया। वे गंगा तट पर बने मांझी स्थान में पूजा अर्चना करते हुए अखाड़ा में पहुंचे हैं। पलामू से बिहार के नबीनगर जा रही स्कूल बस पलटी, 18 बच्चे घायल। झारखंड के पलामू जिले के हुसैनाबाद से बिहार के नबीनगर स्थित डीएवी स्कूल जा रही बस नबीनगर थाना क्षेत्र के काशी तेंदुआ के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। सड़क हादसे में बस में सवार 18 बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही नबीनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल बच्चों को मगध नर्सिंग होम भेजा। यहां उनका इलाज किया गया। इधर जानकारी मिलते ही अभिभावक घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद वे अस्पताल पहुंचे और बच्चों को सेहत की जानकारी ली है। झारखंड विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश। चंपई सोरेन की सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने चालू वित्तीय वर्ष का तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 4981 करोड़ 3 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया। सोमवार को वाद विवाद के बाद इसे पारित कराया जाएगा। इस दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले विधानसभा परिसर में भाजपा के विधायक हंगामा करते नजर आए। बता दें, गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में ही तय हो गया था कि जेएसएससी में हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे को सदन में जोरदार से उठाया जाएगा, और हुआ भी वैसा ही कुछ।
बता दें भाजपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते दिखे। हजारीबाग में सरकारी स्कूल के प्रवेश द्वार पर बना दी ऊंची मीनार। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड के स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय उर्दू डुमरौन को धार्मिक स्थल के रूप में तब्दील कर दिया गया है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद एक पक्ष से जुड़े लोगों ने दिन दहाड़े प्रवेश द्वार की जगह बड़ा मीनार की आकृति का गेट बना दिया है। गेट और मीनार की पूरी ऊंचाई करीब 35 फीट बताई जा रही है। पूरे प्रकरण में ग्रामीणों में भारी रोष है और 128 दिन से अधिक ग्रामीणों ने इस मामले में प्रखंड से लेकर जिला तक आवेदन देकर गुहार लगाई है। आश्चर्य की बात यह है कि इस माह पूर्व से इस मुद्दे को लेकर ग्रामीण उग्र हैं और आवेदन लेकर जिला प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, परंतु बावजूद इसके सब चुप है और प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को देखने वाले जिला शिक्षा अधीक्षक संतोष गुप्ता इस विषय पर बात तक नहीं कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जल्द रिहाई के लिए आह्वान। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जल्द रिहाई और नकारात्मक शक्तियों को खत्म करते हुए सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के उद्देश्य से सेक्टर एक स्थित जेएमएम सुप्रीमो शिव सोरेन के आवास में झामो कार्यकर्ताओं ने शिव और मां शक्ति दुर्गा का हवन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झामो के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। वैसे कार्यकर्ता और नेताओं ने इस हवन पूजा का आयोजन किया था जो सामान्य रूप से पार्टी के समर्थक हैं। इस दौरान शास्त्री अमरजीत मिश्रा ने शिव शक्ति की आराधना कर हवन पूजन करने की बात कही। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जा के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा है, हम लोग इस हवन पूजन के माध्यम से मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो और जल्द से जल्द पूर्व मुख्यमंत्री जेल से बाहर आकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहने का काम करे। लोबिन हेम्ब्रम सरकार के खिलाफ निकालेंगे अन्याय यात्रा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वह अपनी सरकार के खिलाफ 7 मार्च से अन्याय यात्रा निकालेंगे। शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी ही सरकार को घेरा। शायराना अंदाज में कहा, झारखंड को अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। उन्होंने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकर्ता में झारखंडियों के साथ अन्याय हुआ है। वह अन्याय यात्रा निकालकर आदिवासी मूलवासी का राग अलापने वाले को बेनकाब करेंगे। लोबिन हेम्ब्रम ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में आदिवासी मूलवासी का राग अलापने वालों ने आदिवासियों को केवल ठगा है। 600 वित्त रहित स्कूल कॉलेजों की 90 करोड़ अनुदान लैप्स के कगार पर। झारखंड में संचालित 600 वित्त रहित स्कूल मदरसा व इंटर कॉलेजों से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत अनुदान के लिए अब तक राज्य सरकार ने आवेदन नहीं लिया है। इससे अनुदान राशि लैप्स होने के कगार पर है। शिक्षकों व कर्मियों से इस कारण नाराजगी है। वे आंदोलन करने के मूड में हैं। स्कूली शिक्षा व सक्षरता विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मांगा गया था, लेकिन पोर्टल में आई तकनीकी खराबी के कारण कोई भी वित्त रहित संस्थान आवेदन नहीं कर पाया। इस बात की लिखित जानकारी विभाग को देने के बावजूद अब तक पोर्टल की तकनीकी खराबी दूर नहीं की जा सकी है। झारखंड के अनुपूरक बजट में गृह विभाग को सर्वाधिक आवंटन। राज्य सरकार ने अनुपूरक बजट में सर्वाधिक आवंटन गृह कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग को किया है। राज्य सरकार के तीसरे अनुपूरक बजट का आकार 4981 करोड़ रुपए का है। वहीं गृह कारा एवं आपदा प्रबंध विभाग की 1012.92 करोड़ की अनुदान मांगों की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग ने SRI स्कीम व विधि व्यवस्था को फोकस करते हुए अनुदान मांगों का आकार बढ़ाया है। राज्य सरकार के अनुपूरक बजट पर सोमवार को सदन में चर्चा होगी। बता दें, राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग को 50 करोड़, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को 17.90 करोड़, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को 11.65 लाख, ऊर्जा विभाग को 358.60 करोड़, उत्पाद विभाग को 1.51 लाख, वित्त विभाग को 22.27 लाख, वाणिज्य कर विभाग को 3.18 करोड़ रुपए आवंटित किया है। हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अर्जी पर रखी दलीलें। झारखंड 20 के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें हेमंत सोरेन का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि झारखंड 20 का सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है। इस सत्र में धन विधेयक पास होना है, इसलिए हेमंत सोरेन का सत्र में मौजूद रहना जरूरी है। ईडी कोर्ट से भी इसकी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन वहां याचिका खारिज कर दी गई है।
सत्र शुरू हो गया है, इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए। वहीं ईडी की ओर से अदालत को बताया गया है कि 20 सत्र का नोटिस पहले ही जारी कर दिया गया था। यदि प्रार्थी को सदन में शामिल होना था तो अंतिम समय में याचिका क्यों दायर की गई। प्रार्थी याचिका दायर कर तुरंत बहस कराना चाहता है, जो संभव नहीं है। इसके बाद अदालत ने ईडी को समय देते हुए 26 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है। पीएम मोदी 25-26 फरवरी को संताल परगना को देंगे 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 एवं 26 फरवरी को झारखंड के संताल परगना को 1200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। इसमें रेलवे व स्वास्थ्य के क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। 25 फरवरी को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से पाकुड़ जिले में 50 बेड के जिला अस्पताल और देवघर जिले में 3 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शिलान्यास करेंगे। देवघर में सारठ और मार्गो मुंडा सीएचसी में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। दुमका में फुल्लो झानो मेडिकल कॉलेज में बीएचसी नर्सिंग कॉलेज का पीएम शिलान्यास करेंगे। बता दें, पीएम नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को देवघर, बासुकीनाथ, गोड्डा, मधुपुर व विद्यासागर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत योजना के तहत डेवलपमेंट कार्य का शिलान्यास करेंगे। निब्बू पहाड़ पर अवैध खनन की सीबीआई जांच जारी रहेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने निब्बू पहाड़ पर अवैध खनन की चल रही सीबीआई जांच को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इससे निब्बू पहाड़ पर अवैध खनन की जांच जारी रहेगी। न्यायाधीश सुजीत नारायण की अदालत ने शुक्रवार को इससे संबंधित फैसला सुनाया है। न्यायालय ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विजय हंसदा की याचिका पर सुनवाई के बाद निब्बू पहाड़ पर अवैध खनन और विजय हंसदा की भूमिका की जाँच का आदेश दिया था। चंपाई कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर लगी मुहर। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुई। बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक में कैबिनेट स्तर के मंत्री समेत वरीय अधिकारी मौजूद रहे। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्ताव पर मुहर लगी। प्रोजेक्ट भवन में सीएम चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में बोकारो इंटरनेशनल विश्वविद्यालय 2024 की स्वीकृति मिली है। वहीं बैठक में झारखंड में 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलने पर स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं 29,15,951 लाभार्थी को योजना में लाभ मिलेगी। गिरिडीह के बगोदर में सरिया अनुमंडल में 3 जज की स्वीकृति भी दी गई है। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 23 मार्च को मतदान। चुनाव आयोग ने झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। इनके लिए 23 मार्च को मतदान होगा। आयोग के अनुसार राज्यसभा के समीर उरांव और धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल 3 मार्च को समाप्त होने जा रहा है। दोनों सीटों के लिए 4 मार्च को अधिसूचना जारी की जाएगी और नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च को होगी। 2 से अधिक उम्मीदवार होने पर 21 मार्च को मतदान होगा और नतीजे आएंगे। हरल सिंदरी के सभी गेट को झामुमो ने किया जाम। हरल सिंदरी के मुख्य द्वार पर 18 महीनों से 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना पर बैठे झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो कार्यकर्ताओं ने मुख्य द्वार समेत सभी 4 गेटों को बंद कर दिया है। शुक्रवार से अनिश्चितकालीन के लिए आर्थिक नाकेबंदी शुरू कर दी है। इसमें सिर्फ जरूरी सुविधाओं को छूट दी गई है। झामुमो धनबाद महानगर के उपाध्यक्ष रामू मंडल ने बताया है कि 23 जनवरी को हरल सिंदरी प्रबंध को पत्र देकर 4 सूत्री मांगों पर सकारात्मक पहल के लिए हमने आग्रह किया था। इनमें स्थानीय व विस्थापितों को 75% संविदा और स्थायी क्षेत्रों में नियोजन, कार्यरत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, कार्यरत श्रमिकों को अस्थायी करने तथा आदिवासियों को यूरिया ट्रांसपोर्ट का काम देने की मांग की गई थी। मंत्रिमंडल में नहीं होने के बावजूद भी मैं पावरफुल, अंबा प्रसाद। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बदलाव नहीं होने से नाराज विधायकों में एक अंबा प्रसाद ने कहा है कि वह मंत्रिमंडल में नहीं रहकर भी पावरफुल है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर कहा है कि यह सही है कि मंत्री के पास जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की संभावनाएँ अधिक होती है। अगर वह विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए गंभीर हो जाए तो जनता का भला होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इसी बात को लेकर कांग्रेस के विधायक नाराज थे। उन्होंने आलाकमान को इससे अवगत करा दिया गया है। वहीं पेपर लीक के सवाल पर उन्होंने कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में ऐसे ऐसे अधिकारियों को बैठाया गया है जिनका वे लोग विरोध कर चुके हैं। इधर उमाशंकर अकेला ने कहा है कि नाराज विधायक शीर्ष नेताओं से मिलकर अपनी बात पहुँचा दी है। सरना मसना के संरक्षण के लिए मिलेगी बड़ी राशि। झारखंड विधानसभा शुक्रवार को चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश 49.03 करोड़ रुपए के तीसरे अनुपूरक बजट में कब्रिस्तान की घेरेबंदी के साथ साथ सरना मसना आदि के संरक्षण के लिए बड़ी राशि देने का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत कब्रिस्तानों की पक्की घेराबंदी के लिए 226 करोड़ तथा
सरना जाहिर स्थान हड़गड़ी एवं मसना के संरक्षण एवं विकास के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान अनुपूरक बजट में पेश किया गया। वहीं कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम के लिए भी 85 लाख, झारखंड वक्फ न्यायाधिकरण के लिए 45.74 लाख। बिरसा नगर पीएम आवास के लिए करना होगा लंबा इंतजार। बिरसा नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना में खुद के घर का सपना देख रहे लोगों का सपना पूरा होने की फिलहाल उम्मीद नहीं है, क्योंकि अभी फ्लैट के 2 ब्लॉक अप्रैल महीने में पूरे होने की उम्मीद है, जबकि शिफ्टिंग में 5 से 6 महीने का वक्त लग सकता है। जमशेदपुर अक्षेस के उपनगर आयुक्त रवि प्रकाश ने किफायती आवास परियोजना का निर्माण करा रही जुड़को को प्राथमिकता के आधार पर दिसंबर 2023 में ही तत्काल 2 ब्लॉक का निर्माण कार्य, सड़क नाली बिजली पानी सीवरेज ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा था, ताकि लाभुकों को गृह प्रवेश कराया जा सके। धन्यवाद।